जो वीडियोस आ जाते हैं लोगों के, कभी किसी जज का आ जाता है, कभी किसी पावरफुल लोगों की वीडियोस आते हैं, ये वीडियोस कहाँ से आते हैं, ये वीडियो कौन बनाता है, ये इसके पीछे फिनोमेना क्या है, ये क्या कोई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में कितने वीडियोस हैं, किस किस के वीडियोस पड़े हैं, किसी का क्यों आता है और किसी का क्यों नहीं आता है, तो इस ये फिनोमेना क्या है इसको, तो चूँकि मुझे जवाब पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सो हमारी इंटेलिजेंस ऑफ एजेंसीज हैं, वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सब आओ ना वीकेंड पे बैठते हैं, गप मारेंगे और ये मज़ा होता है, पार्टी होती है, ये होता है। मैं कहा ठीक है, तो मैं आऊँगा, मैं जल्दी दोस्त नहीं बनाता इसलिए मैं एक दो बार कह दिया, गया नहीं। लेकिन फिर मुझे फीलिंग होनी शुरू हुई तीसरे चौथे वीकेंड से कि एक नाराज़गी सी फील हो रही है कि जी आप क्या समझते हैं, आप हमें इस काबिल नहीं समझते कि हमारे साथ बैठें। सो मैंने कहा कि ओके आई विल कम ओवर एंड आई वेंट ओवर। टिपिकल जो इसका स्ट्रक्चर है जी, वो इस तरह है कि जो भी शहर का फैशनेबल एरिया होता है, कराची के केस में डिफेंस में घर हैं जो कि उन्होंने लिए हुए हैं किराए पे, और ये घर आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले चलाते हैं। ये सिर्फ इन घरों तक महदूद नहीं है, मैं आपको पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें टिपिकल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि घर का जैसे नीचे का पोर्शन है, ड्राइंग रूम वगैरह होता है, दीज आर वेरी लग्जूरियस बिग हाउसेज, और उसमें वीडियो प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं और वो सामने वॉल पे प्रोजेक्शन आ रही होती है, हर किस्म की लड़कियां वहाँ पे मौजूद होती हैं, और ड्रिंक्स शराब वाफर मकदार में हर किस्म की होती है, हैश जो मतलब लोग पीपल आर इंडल्जिंग देमसेल्व्स, शहर के बड़े बड़े शरफा बिजनेसमैन और ख़ास तौर पर सरकार के मुलाजिम वहाँ पर काफ़ी होते हैं, इंटेलिजेंस वाले तो होते ही होते हैं क्योंकि वो होस्ट कर रहे होते हैं, आपको बुलाया होता है, और फिर बीच में कुछ जो अरेंजमेंट में लड़के वड़के आपको नज़र आ रहे होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, एंड इट्स अ फ्री फॉर ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, और यहाँ पे आपको होस्ट भी इनक्रेज करते हैं कि आप डांस भी करें, अगर एंड ख़वातीन भी आपको इनक्रेज करती हैं टू यू नो इंडल्ज योरसेल्फ, लेकिन ज़ाहिर है आपको बेवकूफ़ तो नहीं, आप समझते हैं कि मैं एक इंटेलिजेंस की पार्टी पर बैठा हुआ हूँ और तो ये सारे रिकॉर्ड तो हो रहा है, कहीं तो जा रहा है, एंड ये कमरा जहाँ पे नीचे ये सब कुछ हो रहा है, डांस एंड ड्रिंक्स एंड वाइन, तो ये इसका वीडियो नहीं होगा, और अगर होगा भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें इंटेलिजेंस वाले खुद बैठे हैं तो अपने आप को तो एक्सपोज नहीं करेंगे, नज़र आ रहे, बट यू आर इनक्रेज टू गो अपस्टेयर्स जहाँ पे बाकी कमरे हैं, या गो आउटसाइड और whatever, and you know with the ladies अगर आपको है तो, और ज़ाहिर है आपको पता है कि वहाँ भी रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, सो आप यू आर स्मार्ट इनफ, आप कहते हो यार ठीक है। सो मैं बैठा कोई 30 मिनट एंड देन पोलाइटली आई सेड कि यार ओके थैंक यू सो मच एंड आई एम हियर, अब मैं चलता हूँ, और मैं चला गया। फिर हफ्ते बाद यही बात कि वो आज साहब आप आए नहीं, आप तो पिछली दफ़ा ऐसे ही जल्दी चले गए और ये और वो मैं फिर चला गया। सो आई अटेंडेड क्वाइट अ फ्यू ऑफ दोस पार्टीज। उसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, लेकिन मैं उस कमरे से ऊपर नहीं जाता था, सिट हियर फॉर 15-20-30 मिनट्स देन पोलाइटली ओके थैंक यू, बट इट वॉज क्लियर टू मी के भाईजान मैं फेवरेट पर्सन्स में नहीं था, बिकॉज मैं हैंडल अपना नहीं देना चाहता किसी को, इन टर्म्स पे मैंने आगे नहीं बढ़ना, बिकॉज देन आई बी ब्लैकमेल्ड, देन आई एम नॉट एन ऑफिसर एनी मोर, देन आई एम अ पपेट, राइट। एंड अच्छा, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब ज़ाहिर है चूँकि आप सब लोगों को जानते हो, आप कई बार गए हो उसमें, आप उन लड़कों को भी जानते हो, उन खवातीन को भी जानते हो, आप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भी जानते हो, बाकी अफसरान को भी जानते हो जो वहां पे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जहां जब क्राउड में कभी कई दफा मैंने देखा कि जी जहां मॉब कहीं घुस रहा है और कुछ मार रहा है लोगों को, या किसी पे पॉलिटिशियन को जूता मारा है, या किसी को कुछ किया या फलाना किया, तो वो आपको वो शक्ल नजर आती है जो कि आपके साथ पार्टी में थी, और वो जो लड़के फटर जो फलाने हैं वहाँ पे, वो एक्चुअली उन सारी इश्यूज़ में भी, सो ये वो एक्चुअली जो आवाम लग रही है आपको, वो आवाम नहीं है, वो लड़के हैं जो कि उन पार्टीज़ पे हैं जो कि वो इंटेलिजेंस वाले, और आपको समझ आ जाती है कि वो इंटेलिजेंस वाले हैं, सो वो सादा कपड़े पहन के वो आवाम हो जाते हैं फिर वो वीकेंड पे, एंड एवरीबडी इज़ एंजॉइंग एंड सेलिब्रेटिंग एंड
अच्छा, अब इवन इफ दीज लेडीज, कुछ हमारे दोस्त शायद ऐसे हैं जो इतने तो होशियार थे कि यार मैंने ऊपर नहीं जाना, बट इतने होशियार नहीं थे कि उनको ये बात समझ में नहीं आई कि यार ये जो खातून है, भले ही इसका इस कमरे से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इस डेट से भी कोई ताल्लुक नहीं है, आज की तारीख से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप सब्सिक्वेंटली भी इसके साथ एसोसिएट करोगे या जनरली बाय एंड लार्ज किसी और के साथ भी एसोसिएट करोगे, तो आपको समझदार इतना होना चाहिए कहीं और भी कि ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं हो रहे, इनके पीछे हैंडलर जे एडगर हूवर एक ही, और वो उसको लॉयल है, वो मजबूरी है उनकी। सो अगर आप कहीं और भी एसोसिएट कर रहे हैं तो वो वीडियोस बना के ऑन देयर ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ समबडी लाइब्रेरी पीछे एक ही है जिसमें ये सब कुछ जा रहा है। सो इशू ये है कि आप मुल्क में जब तक ऐसी बलाओं को पावरफुल पोजीशंस में नहीं लाओगे, ऐसी बलाओं से मतलब ऐसे ऑफिसर्स को पावरफुल पोजीशंस में नहीं लाओगे जिनके पेट ना हो, तो आपका मुल्क एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं हो सकती। और स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब तक एक लिवरेज नहीं है जिसके अगेंस्ट, वो बला ऊपर आ ही नहीं सकती। सो आपके यहां बहुत सी ऐसी बलाएं हैं जिनके पेट नहीं है, लेकिन मसला यह है कि वो बला ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि उसकी लाइब्रेरी में फुटेज नहीं है। सो अल्लाह आपको ऐसी बलाएं दे जिनके पेट ना हो, वो ऊपर आ सके। टेक केयर ऑफ़ यूरसेल्फ।